सूरज बादलों के साथ लुका छिपी करते हुए हमारे देश से ओझल होने की तैयारी में था। किसी और दुनिया में अंगड़ाई लेने वाला होगा, पश्चिम में डूबेगा, कहीं और जाकर उगेगा, वो अपनी उस तैयारी में डूबा हुआ है। चिड़िया पूरे आसमान को आंखें दिखाती हुई, हवा के वेग को चीरती हुई आकर अपने अपने घरौंदों में बैठ चुकी है। जिस नदी के ऊपर, जिस नदी के इर्द गिर्द इस कहानी को लिखा गया है, वो कहानी, वो नदी, हर चीज बिल्कुल शांत स्वभाव में ढलते हुए सूरज का, थमी हुई हवा का आनंद ले रही है। फूल पत्ती सब इसी सोच में है कि आज का दिन कितना अच्छा खत्म हो गया है, कल एक नई सुबह होगी और इस जगह पर कुछ नयापन होगा। इतने में उस नदी के ऊपर बने हुए पुल पर आकर एक कार रुकती है। हमारी कहानी का हीरो उस कार में से उतरता है, अपने मोबाइल फोन को एक स्टैंड के मदद से कार की छत के ऊपर लगा देता है। फ्रंट कैमरा उसका ऑन करके पीछे से कार की डिक्की खोलता है, एक चेन निकाली जाती है जिसमें बहुत भारी कुछ लोहे का गोला ऑलरेडी बंधा होता है एक सिरे पर, उसके दूसरे सिरे को अपने दोनों पैरों में लपेट लेता है। एक कपड़ा निकालता है काफ़ी लंबा सा, अपने मुंह को लपेट लेता है, फिर दो राउंड अपने कानों के ऊपर ले लेता है, फिर एक बार जी भर के वापस अपने आधे अधूरे चेहरे को उस मोबाइल फ़ोन में देखता है, अंत में अपनी आंखों को भी लपेट कर सिर्फ नाक को खुला छोड़कर उस पुल से छलांग लगा देता है। सामान्यतः 70-80 किलो का व्यक्ति, साथ में 10-15 किलो का लोहा, जब एवरेज एक 50-60 फीट 100 फीट हाइट से गिरता है तो पानी का शोर बहुत तेज होता है, छपाक की आवाज़ होती है, आसपास के पक्षी कुछ पल के लिए उड़ने या फड़फड़ाने लग जाते हैं, पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो नदी, वो पुल, वहाँ के भंवरे, मछलियाँ, पत्ते, हवा, बादल सब इसी बात की गवाही दे रहे थे कि इतनी दर्दनाक आत्महत्या हमने आज तक नहीं देखी। लोग आते हैं, कूद जाते हैं, जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। एक व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुंह को लपेट लेता है। एक व्यक्ति है जो सोचता है अब मैं इस दुनिया में एक कदम भी आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए अपने पैरों को जंजीरों में जकड़ लेता है। एक व्यक्ति है जिसकी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है, वो अच्छा बुरा आया गया कुछ नहीं सुनना चाहता है, इसलिए अपने कानों को लपेट लेता है। एक व्यक्ति है जो प्रकृति के सौंदर्य को देखना नहीं चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फूल पत्ती पानी सूरज आसमान भंवरे को देखकर आत्महत्या का विचार त्याग दूं। नीति, काल, किसी व्यक्ति के लिए यह घड़ी सामान्य नहीं है कि वो खुद की मौत को इस तरह लिखे। अगर उसके जीवन में जब तक अति का अंत ना हुआ हो, आखिर ऐसे कौन से पल आए कि वो खुद की मौत इतनी दर्दनाक लिखना चाहता है कि एक पल के लिए भी वो बच ना सके। कूद जाता है, सब कुछ थम सा जाता है। 10 मिनट बाद उसका भाई, जिसे उसने खुद ने बुलाया था किसी विषय पर चर्चा करने के लिए, उस जगह पर पहुंचता है। वो देखता है कि उसके भाई की कार खड़ी है, मोबाइल लगा है, मोबाइल को वो देखता है कि वीडियो चालू है। उस वीडियो में देखकर वो भी कांप जाता है कि आखिर मेरे भाई ने कितनी तसीहे वाली मौत को स्वीकार किया है। एक पल के लिए ज़मीन ज़रूर खिसकती है, फिर पुलिस को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बुलाता है, सब आ जाते हैं, लाश
जिस जगह पर वो कूदा था उसी जगह पर 15-20-25 फीट नीचे से मिल जाती है। उस व्यक्ति की पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है, जो स्वाभाविक सी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ उसने खोई है तो फूट फूट कर रो रही होती है। एक समय आता है कि सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह के अखबार में हेडलाइंस होती है कि जिस व्यक्ति को सरकार ने 2 बार बहादुरी पुरस्कार दिया वो कल अपने जीवन के किसी पहलू से हार गया और उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं उसके विचारों का, उसकी मानसिकता का इस कदर कत्ल हुआ कि उसने बिना किसी को सजा दिए खुद की मृत्यु को खुद रचा। इस पल को, इस क्षण को जीने के लिए जो साहस चाहिए वो वही व्यक्ति में हो सकता है जो खुद बहादुरी के पुरस्कार ले चुका है। नियति आगे क्या करवाएगी ये उसने नहीं सोचा, उसकी बीवी का क्या होगा उसने नहीं सोचा, उसके परिवार का क्या होगा नहीं सोचा, पर उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ खुद को खत्म करना था। आज का सीन मैं यहीं तक सुनाने वाला हूँ। बहुत डिटेल में है स्टोरी, बहुत लंबी स्टोरी है, 3 जगह ट्विस्ट हैं, 3 ट्विस्ट डालने के लिए मैंने 10-15 बार उसको रिलेट कर लिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सॉरी आप लोग सब एकदम सीरियस हो गए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको 1% भी ये कहानी छू गई हो तो 29 तारीख को इसे ज़रूर देखिएगा। ये कहीं ना कहीं आपकी और मेरी, हर व्यक्ति की कहानी है, आपकी है या नहीं, पर हमारे जीवन में या मेरे जीवन में ऐसे बहुत से पल आए हैं जो हमें कंफर्ट जोन में भी हलचल ला देते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कर्म ऐसे रिपीट होकर आते हैं या ये क्या हो रहा है, हम शून्य हो जाते हैं। वो शून्य की जो स्थिति है उस स्थिति को जीतने के लिए मैंने ये कहानी लिखी है कि कहीं आप इस पल को अगर जी रहे हो या आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति उस पल को जी रहा हो तो उससे हमें कैसे उभरना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे सुना। अभी एक छोटा सा वाक्य सुना सकता हूँ, एक मिनट का, मैं मतलब मुझे बहुत अभी वो बार बार पता नहीं क्यों बहुत देर से क्लिक कर रहा है। मैंने इसको इंस्टाग्राम के ऊपर डाला था, वैसे मैं बहुत कम एक्टिव हूँ पर फिर भी शायद कुछ लोग कभी कभार गलती से मुझे पढ़ते हैं और 1-2 लोगों ने, रोहित शर्मा जी ने उसके ऊपर कमेंट भी किया था बहुत अच्छा। मैं एक छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उसको स्पीड में सुनाऊँगा। मैं अभी शायद 14 या 15 जनवरी की बात है, मुझे पंजाब जाना था इंदौर से, इंदौर से मुझे किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला तो मैंने नागदा से एक ट्रेन में मेरा जालंधर तक का रिजर्वेशन कराया था। मेरा वहाँ पर एक प्रोग्राम था और शाम का समय था, 6 या 6:30 बजे मेरी नागदा से ट्रेन थी और मैं 1-8 घंटा पहले नागदा पहुँच गया था और अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। और उस ट्रेन पर बहुत सारे लोग नागदा से चढ़ते हैं, इंदौर से जाने वाले, आसपास से जाने वाले, तो ट्रेन स्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ के बीच में बैठी हुई थी एक अम्मा जो ज़मीन पर बैठी हुई थी। उस अम्मा के पास कोई लोटा था जिसमें शायद सामान्यतः उसके घर के किसी व्यक्ति की अस्थियां होंगी, उसने उसको भी सजो कर रखा हुआ था। ये सत्य घटना है, मेरे साथ आप बीती है। वो लोटा भी उसने रखा हुआ था। इतने में ट्रेन आई और उस ट्रेन का स्टॉप वहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का था नागदा का। वो ट्रेन कटरा तक जाती है, अहमदाबाद या उसके भी आगे कहीं से आ रही थी वो ट्रेन, कटरा तक जाती है। तो काफ़ी सारे लोग उसमें चढ़ने लगे और इसी बीच में एक परिवार और था जो वहीं खड़ा था। काफ़ी सारे लोग उस अम्मा को लात मारते हुए, उनके ऊपर पैर रखते हुए, उस अम्मा को किसी और ट्रेन पर जाना था, काफ़ी सारे लोग उनको लात मारते हुए, उनके बैग पर पैर रखते हुए, इधर उधर पैर रखते हुए, और उनको पूर्ण 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 अभद्र भाषा में अपना रिस्पांस देते हुए उस ट्रेन की ओर बढ़ रहे थे। और उसी बीच में एक और भाई साहब थे जिनको मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था कि वहाँ पे किसी से भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, और उन्होंने तो हद सीमा पार करते हुए अम्मा की जांघ पर पैर रख के वो उन्होंने उन्हें क्रॉस किया और ऊपर से गाली भी बकी और इत्तेफाक से वो मेरे ही कोच में अटक गए। कुछ देर बाद मैं जब ट्रेन में पहुँचा, अपने कोच में पहुँचा, तो 2-3 लोगों ने, 2-3 महिलाओं ने मुझसे रिक्वेस्ट की, मेरी सीट शफल होती रही, किसी को लोअर बर्थ चाहिए थी, किसी को अपर बर्थ चाहिए थी, मैं अकेला था
तो मैं एडजस्ट करते करते एक आध घंटे में फाइनली एक सीट पर पहुंच गया कि अब सफर यहाँ पे कटने वाला है, और इत्तेफाक से वो भाई साहब मेरे सामने अटक गए। मैं भरा हुआ था उनसे ऑलरेडी, क्योंकि इनकी हरकत देख कर आया था, पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप था तो मुझे भी जल्दी चढ़ना था, और मैं बहुत देर तक फिर उनको नोटिस करता रहा। और उस कूपे में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, उनके बच्चे भी खुद को किसी शहंशाह से कम नहीं समझ रहे थे। और जब अति हो गई, जब 2-3 लोगों से और उन्होंने बदतमीजी कर ली, तो मुझसे फिर रहा नहीं गया और मैंने उस भाई साहब से एक ही सवाल पूछा, और अगला सवाल पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। कुछ उसका जवाब का लहजा ऐसा था और कुछ उसका जवाब स्वयं ही ऐसा था। मैंने उसे सिर्फ इतना पूछा कि भाई साहब आखिरकार आपको जाना कहाँ है। बड़े गुस्से में, और जैसा उसका नेचर था, उसको पता नहीं सरदारों को और ज़्यादा गुस्सा आता है, पर मैं बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा था, मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे जलंधर में 1 घंटा बोलने के, इतने पैसे जीवन में पहली बार मिले थे, तो मैं बहुत खुश था। इसलिए मैंने उसको उसकी लैंग्वेज में कोई जवाब ना देते हुए सिर्फ उसका जवाब सुना, और मैंने सिर्फ इतना पूछा कि भाई साहब आपको जाना कहाँ है। और वो बड़ा तन के 56 इंच तो उसके सामने पानी कम चाय था, मतलब बड़ा बड़ा तन के उसने मुझे जवाब दिया कि कटरा जा रहे हैं वैष्णो देवी। और मैं एक पल के लिए, पहले तो मैं उसे जवाब देने वाला था, फिर मैं एक पल के लिए सोच में डूब गया कि जो व्यक्ति पिछले 1.5 घंटे में एवरेज 150 से 250 गालियां बक चुका है, एक महिला, एक बुजुर्ग महिला के पैर के ऊपर पैर रखकर आ रहा है, तो क्या वाकई में उसका कटरा जाना सफल हो जाएगा? क्या वाकई में मैं कभी वैष्णो देवी गया नहीं हूं, लेकिन मैं हर धर्म की इज्जत करता हूं, तो क्या वाकई में वहां पर बैठी हुई माता जी ऐसे भक्तों का इंतजार कर रही है? आप भाई साहब, आप मंदिर नहीं जा रहे हो, आप दर्शन करने नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ पिकनिक पर जा रहे हो। बस ये सोचकर जाओ, अगर आप गालियों से परिपूर्ण होकर जा रहे हो तो। थैंक यू जसमीत।